भारतीय रेल के लिए साल 2018 सफलताओं से भरा रहा। इस साल रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए कई बेहतरीन तोहफे दिए। बीते कुछ सालों में रेलवे ने काफी तरक्की की है, चाहे वो सुविधाओं के मामले में हो या फिर तकनीकों के। ट्रेनों की हालात में सुधार हुआ है, रेलवे स्टेशन बेहतर हुए हैं और साथ ही ट्रेन के टिकट बुक करना भी पहले से ज्यादा आसान हो गया है। इन सभी बेहतरीन सुविधाओं में से ये हैं वो 10 बड़े और सुविधाजनक बदलाव जो बीते एक साल में रेलवे ने किया है। पहला, ट्रेनों की हालत में सुधार। बहुत सी ट्रेनों की हालत में सुधार हुआ है, ट्रेनों की शक्लें भी बदली है। इस साल रेलवे ने ट्रेनों में 1,00,000 से अधिक बायो टॉयलेट इंस्टॉल करवाए। इससे ट्रेनों के टॉयलेट पहले से कहीं अधिक हाइजीनिक हो गए, जिससे ट्रेनों को साफ रखने में मदद भी मिली है। बहुत सी ट्रेनों पर अलग अलग पेंटिंग जैसे मधुबनी पेंटिंग की गई है, जिससे ट्रेनों का सुंदरीकरण भी हुआ है। दूसरा, रेलवे स्टेशनों का सुंदरीकरण। ट्रेनों के अलावा रेलवे स्टेशन भी पहले से बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। इसके लिए देश के कई रेलवे स्टेशनों की दीवारों पर पेंटिंग बनाई गई है। इसमें मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान का काफी हाथ है। देश भर के करीब 65 रेलवे स्टेशनों का मेक ओवर किया गया है। तीसरा, टीटी के पास लोगों को अब रिजर्वेशन के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी। रेलवे ने अब टीटी को सीटों के रिलोकेशन और खाली सीटों का हिसाब रखने के लिए अब टेबलेट देने शुरू कर दिए हैं। इससे अब पैसेंजर के सामने ही टीटी सीटों को कैंसल या रिलोकेट कर सकते हैं। यात्रियों और टीटी दोनों को इस सुविधा से आसानी हुई है। चौथा, पहला एरोडायनामिक इंजन। साल 2018 में भारतीय रेलवे ने पहला एरोडायनामिक और एर्गोनॉमिक इंजन बनाया। ये इंजन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा बनाया गया था और ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गति से चलती है। ये इंजन राजधानी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में इस्तेमाल होगा। पांचवा, ई कैटरिंग सर्विस। बीते साल में ही रेलवे ने अपने ऑफिशियल ऐप से ई कैटरिंग की सुविधाएं शुरू की। इसमें आप अपने PNR नंबर के जरिए किसी भी स्टेशन पर अपने लिए खाना मंगवा सकते हैं। छठा, मुफ्त वाईफाई। रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए मुफ्त वाईफाई सेवा देना शुरू कर दिया है। देश के सभी स्टेशनों पर अब आपको वाईफाई की सेवा मिलेगी। इससे आप स्टेशन पर ही अपनी ट्रेन का रनिंग स्टेटस और अन्य जानकारियां रेलवे स्टेशन पर ही हासिल कर सकते हैं। सातवां, UTS ऐप के जरिए जनरल टिकट। रेलवे के UTS ऐप के जरिए आप ऑनलाइन जनरल टिकट बुक कर सकते हैं। अब रेलवे स्टेशन पर लंबी लाइन लगाकर आपको टिकट बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आठवां, तेजस एक्सप्रेस का मेकओवर। रेलवे ने नवंबर माह में तेजस सुपर फास्ट एक्सप्रेस में नए कोच लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये कोच चेन्नई और मदुरई के बीच में चल रहा है। ये कोच पूरी तरह से एयर कंडीशन है और इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं जैसे टच फ्री टॉयलेट, स्मार्ट विंडो, GPS बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन इत्यादि है। नौवां, भारत की पहली इंजनलेस ट्रेन। भारत की पहली लंबी दूरी की ट्रेन 18 इंजनलेस है। ये बहुत हाईटेक ट्रेन है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ती है। दसवां, श्री रामायण एक्सप्रेस। रेलवे ने इसी साल नवंबर माह से रामायण एक्सप्रेस की शुरुआत कर राम भक्तों को एक बड़ी सौगात दी है। ये ट्रेन 16 दिनों में राम और रामायण से जुड़े हर तीर्थ स्थलों का सफर कराती है।